स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामिक्स। मैं त्रिनय कुमार आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैलकुलस। कैलकुलस फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि कैलकुलस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे बॉडी के लिए हार्ट होता है। जैसे हार्ट के बिना हमारा बॉडी नहीं चल सकता, वैसे कैलकुलस के बिना आप फिजिक्स समझ ही नहीं सकते। फिजिक्स को समझने के लिए कैलकुलस को समझना बहुत बहुत जरूरी है। कैलकुलस को मोस्टली दो पार्ट में बांटा जाता है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने लिया है बिल्कुल ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज क्यों लिया है, क्योंकि मुझे आपको बताना है बिल्कुल ही बेसिक से हर चीजें कैलकुलस के ऊपर, ताकि हर चीज आप बेसिक से समझ सके। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक इक्वेशन लेते हैं, y इक्वल्स टू x स्क्वायर। इस y को हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ x भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उस पर उतना जाना नहीं है, बस आप ये जान लो कि इसको हम लोग फंक्शन ऑफ x भी कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसका डेरिवेशन होता क्या है। डेरिवेशन हम लोग लिखते हैं इसको जिस तरह से dy by dx is equals to, कि इसका डेरिवेशन होगा 2x, जो x to the power n अगर y है मेरा तो इसका डेरिवेशन क्या होता है dy by dx is equals to n x n minus 1। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे n है मेरा 2, तो मेरा 2 आगे आ जाएगा और n माइनस वन, एन माइनस वन क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 1, तो x टू द पावर 1। तो ये आ गया मेरा डेरिवेशन। ये तो एक फॉर्मूला है, ये आता कैसे है, पहले हम इसको यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग x लेंगे, उसके बाद एक y लेंगे, इसका वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले इसका वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू जब 0 होगा तो हमारा y क्या होगा 0, x इक्वल टू जब 1 होगा तो y मेरा क्या हो जाएगा 1, x इक्वल टू जब 2 होगा तो y हो जाएगा 4, x इक्वल टू जब 3 होगा तो y हो जाएगा 9। इस तरीके से दो का चलते जाए। अब एक पॉइंट लेता हूं मैं, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 9। इस पॉइंट पे मैं x का वैल्यू थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा, तो उसके रेस्पेक्ट में y का वैल्यू भी चेंज होगा। तो x का वैल्यू मैं कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा, उसके रेस्पेक्ट में हमारा y का वैल्यू भी चेंज होगा। तो हमारा जो चेंज है इन x, जो हमारा x में चेंज होगा, जो थोड़ा चेंज होगा, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 3, जो x में मैंने चेंज किया। अब जब x में मैं कुछ चेंज करूंगा तो y में भी मेरा चेंज होगा, तो वो हो जाएगा मेरा y माइनस 9। जो मेरा चेंज होगा y में होगा y माइनस 9। तो चेंज इन x, चेंज इन x को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल x, ओके। और चेंज इन y को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल y, जो कि छोटे छोटे चेंजेस है। और फाइनली हम लोग निकालेंगे रेशियो ऑफ डेल y बाय डेल x, ओके। तो हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं। पहला वैल्यू हमारा तो यहाँ पे है 3 और 9। अब हम लोग 3 में थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं, जैसे 3.1 मिले। तो x मेरा 3.1 है तो y मेरा क्या हो जाएगा 9.61, तो डेल x मेरा क्या हो जाएगा 0.1 और डेल y हो जाएगा मेरा 0.61 और इन दोनों का रेशियो हो जाएगा मेरा 6.1, ओके। अब यहाँ पे 3.01 में लेता हूं तो ये हो जाएगा 9.0601। तो x में कितना चेंजेस किया मैंने 0.01, y में मैंने चेंजेस हुआ 0.0601 और हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो सेम हो जाएगा 6.1। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो हमारा रेशियो आएगा 6.1। नेक्स्ट में वैल्यू लूंगा 3.001, यहाँ पे मेरा वैल्यू y का क्या आ जाएगा 9.006001। तो हमारा जो चेंज है इन x वो क्या होगा 0.001 और चेंज इन y क्या हो गया मेरा 0.006001। अब मैं यहाँ पे चेंज को एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे 3+ h में ले लेता हूँ, ठीक है, h को और छोटा होता जा रहा है। यहाँ पे मेरा आएगा y क्या हो जाएगा, सिंपल मैं 3+ h का स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है, x के बदले में 3+ h पुट कर रहा हूँ, तो
का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री एच प्लस एच स्क्वायर, तो वो हो जाएगा मेरा 9 प्लस 6 एच प्लस एच स्क्वायर, वो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, 9 प्लस 6 एच प्लस एच स्क्वायर। तो हमारा चेंज इन x क्या है, h, चेंज इन y क्या है, 6 एच प्लस एच स्क्वायर, और इन दोनों का रेशियो क्या है, 6 प्लस h। ये मैं रेशियो निकालना भूल गया था, यहाँ पे भी रेशियो हमारा 6.1 ही हो। तो हमें अब फाइनल ये रेशियो मिल गया 6 प्लस एच का। अब एक मैं नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो टर्म है लिमिट। लिमिट हम कब यूज करते हैं, जब ये एच का वैल्यू इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा कि वो जीरो के बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग लिखते हैं क्या है, एच टेंस टू जीरो। यहाँ पर एच मेरा क्या है, एच मेरा है डेल एक्स, तो हम लोग लेंगे डेल एक्स टेंस टू जीरो, इसका मतलब डेल एक्स इतना छोटा है कि वो जीरो के बराबर है या बिल जीरो के बिल्कुल पास है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे रेशियो डेल वाई बाय डेल एक्स। तो इसको मैं एक क्लियरली लिख लेता हूं, इसको लिखता हूं लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो टर्म है इस टर्म को ही हम लोग लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स का मतलब हुआ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसको हम लोग एक सिंगल टर्म में लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाय डी एक्स हमारा यहाँ पे 6 प्लस एच है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 6 प्लस एच। तो ये 6 प्लस एच है, एच हमारा क्या है टेंस टू जीरो, जीरो के बहुत पास है, तो इसको हम लोग जीरो ही लिख सकते हैं। हमारा फाइनल क्या आ गया आंसर 6, तो डी वाई बाय डी एक्स हमारा हो गया 6। अब मैं लास्ट स्लाइड पे जाऊंगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मैंने क्या निकाला था 2x, अब यहाँ x का वैल्यू मैं 3 पुट करूंगा, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलेगा 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारा मैच कर गया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला वैल्यू, हमने ये फॉर्मूला नहीं निकाला, ये जो फॉर्मूला 2x आया वो कैसे आया, हाँ हमने वैल्यू तो निकाल लिया लेकिन हमारा फॉर्मूला नहीं निकाला, चलिए एक बार हम लोग फॉर्मूला भी निकालते हैं इसका। फिर से हम लोग अपना पहले का इक्वेशन लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा है फंक्शन ऑफ x, तो x में हम जब कुछ चेंजेस करेंगे तो हमारा y में भी चेंजेस होगा, उसको हम लोग लिख लेते हैं y इक्वल्स टू डेल y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x। यहाँ पे हम लोग x प्लस डेल x को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस डेल x का स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे y प्लस डेल y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x डेल x प्लस डेल x स्क्वायर, इसको मैंने बस ब्रेक कर दिया यहाँ पे। अब मैं लिख सकता हूं डेल y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x डेल x प्लस डेल x स्क्वायर माइनस y, और y हमारा यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, तो हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे डेल y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x डेल x प्लस डेल x होल स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, हम फाइनली मिलेगा 2x डेल x प्लस डेल x का होल स्क्वायर। अब मैं रेशियो निकालता हूँ डेल y बाय डेल x क्या हो जाएगा 2x डेल x प्लस डेल x का होल स्क्वायर बाय डेल x, ये हो जाएगा हमारा 2x डेल x बाय डेल x प्लस डेल x का होल स्क्वायर बाय डेल x, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस डेल x। ठीक है, यहां तक तो हमको क्लियर हो गया। अब हम लोग फिर से लिमिट वाला लगाते हैं, तो हमारा लिमिट डेल x टेंस टू जीरो डेल y बाय डेल x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं
डी वाई बाई डी एक्स, और हमारा वो वैल्यू क्या था एक बार देख लेते हैं पिछले स्लाइड में, 2x डेल x था। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे 2x डेल x को लिख लेंगे। तो डेल x हमारा इतना छोटा है, जीरो के बराबर है, तो इसको हम लोग पुट कर सकते हैं वैल्यू जीरो। हमारा फाइनली क्या निकल के आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, और यही है हमारा डेरिवेशन का फॉर्मूला। मिल गया हमारा फॉर्मूला। इसी तरीके से x क्यूब हो, चाहे x टू द पावर 4 हो, x टू द पावर 5 हो, हम लोग इस मेथड से उसका डेरिवेशन निकाल सकते। लेकिन एग्जाम में हम इस तरीके से डेरिवेशन तो निकालने नहीं बैठेंगे, तो हमें कुछ फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। हमने समझ तो लिया कि वो निकलता कैसे है, लेकिन कुछ फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग जब यूज करना हो उस फॉर्मूला को हम लोग आसानी से यूज कर सके और थोड़ा जल्दी हम लोग सॉल्यूशन निकाल सके। तो वो कुछ फॉर्मूला जो है हम लोग उसको देख सकते। पहला फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन अगर है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। फिर सेकेंड इक्वेशन है मेरा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, कॉस एक्स। इसी तरीके से y अगर मेरा cos x है, तो dy by dx हो जाएगा minus sin x। y is equal to e to the power x है, तो dy by dx होगा मेरा e to the power x, दोनों सेम रहता है। और y is equal to अगर log x है, यहाँ पे log x हम लोग मैंने लिखा है ln x, ln x, ln क्यों लिखते हैं, जब मेरा बेस e होता है, जब मेरा बेस e होगा log का, तो हम लोग लिखते हैं उसको ln, तो उसका डेरिवेशन होता है 1 by। और उसी तरीके से tan x, अगर y है tan x, तो dy by dx हो जाएगा मेरा sec square x। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो कि हमको ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि जब भी हम फिजिक्स के किसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, तो इन फॉर्मूला को यूज करके उस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सके। मेरे ख्याल से डिफरेंशियल कैलकुलस का ये पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।